अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग CS302 के ग्रैंड क्विज लेक्चर नंबर 1 to 23 के अंदर जो करंट क्विज अभी स्टूडेंट्स ने दिए हैं उनके हवाले से एक वीडियो बनाने चाह रहे हैं और आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्विज़ के अंदर कौन कौन से क्विज आ रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर जो है आपको खुशामदीद कहते हैं, और दूसरा आप हमारी वीडियोस को कमेंट भी किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हमारे जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं उसको हम जो है वो आपको मिलें जब भी हम वीडियो अपलोड करें और आपके पास जो है वो न्यू नोटिफिकेशंस जो है वो मिलें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमाइज मैक्स टर्म इज़ द सम ऑफ डैश ऑफ द क्रॉसपोंडस मिन टर्म विद इट्स लिटरल कंप्लीटेड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है टर्म्स की, वर्ड्स की, नंबर्स की और निबल की। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो टर्म्स की है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्स टर्म इज द सम ऑफ डैश ऑफ द क्रॉसपोंडिंग मिन टर्म विद इट्स लिटरल कंप्लीटेड। तो इसमें पहला जो है वो ऑप्शन टर्म है, वर्ड्स है, नंबर्स है और निबल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो निबल्स है हमारी। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो दी एस आर लैच हैज़ टू इनपुट्स देयर फॉर डैश डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट कैन बी अप्लाइड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द एस आर लैच। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन हैं वो 2 है, 4 है, 8 है और 7 है। तो इसमें जो 4 की ऑप्शन यहाँ पे टिक हुई है ये रॉन्ग किसी ने ऑप्शन की है, इसका 2 ऑप्शन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 2 है, तो इसका जो आंसर है वो 2 है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ए डैश आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर बाय अप्लाइंग ऑपरेट इनपुट्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप है, लैच है, काउंटर है और सिस्टम है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नैंड गेट इज फॉर्म बाय अकाउंटिंग। तो इसमें ऑप्शन जो है वो एंड है, एंड गेट एंड देन नॉट गेट है, फिर ऑप्शन है नॉट गेट एंड देन एंड गेट है, फिर ऑप्शन है एंड गेट एंड देन और गेट है, फिर उसके बाद और गेट एंड देन एंड गेट है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, एंड गेट एंड देन द नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए वेरिएबल कैन हैव ए डैश वैल्यू। इसमें 0 है, 1 है, 0 1 है, 0 और 1 है, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 0 and 1 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 0 और 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी आउटपुट कैन एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंपैरेटर हैव। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वेरिएबल कैन हैव ए डैश वैल्यू, 0, 1, 0 और 1 है और 0 and 1 है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, 0 और 1 इसकी थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दी रिप्रेजेंट द सिंगल डिजिटली द सिंगल सिग्नल इज सिंपल्ड एंड एट डैश एंड इंटरवल्स। तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट ऑन द इक्वल अनफोल्ड, अनफोल्ड इक्वल और फिक्स्ड इक्वल, अनफिक्स्ड अनइक्वल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिक्स्ड और इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्प्ले द नंबर डैश द BCD नंबर 0010 रिप्रेजेंटिंग द MSD इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट कनेक्टेड टू द MSD 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिजिट। तो हमारे पास ऑप्शन है 19, 29, 39 and 49। करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 ऑप्शन है, वो 29 बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंट द सिग्नल डिजिटली इज सैम्पल्ड एट डैश एंड इंटरवल्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इक्वल्ड है। ये हमारे पास दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन ABCD.AB.CD.B इज। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो ABC and D है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब ट्रैक्टर आल्सो हैव आउटपुट टू चेक इफ वन हैज़ बीन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास शिफ्टेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नंबर इज एडेड फॉर करेक्ट पर्पस टू एन इनकरेक्ट रिजल्ट ऑब्टेंड इन BCD एडिशन।
तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो 001 है, 0011 है, 0110 है और 1001 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है, 0110। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द नंबर इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4, ABCD 1001 और फोर्थ ऑप्शन है DEFH। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, DEFH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। XOR इज एन एब्रीवेशन ऑफ डैश। तो इंक्लूसिव और एक्सपेंडेबल और नॉर, एक्सटेंडेड नॉर और एक्सक्लूसिव और। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडिशन टू BCD डिजिट्स रिक्वायर्स टू डैश द पैरेलल एडर सर्किट। हमारे पास इसमें चार ऑप्शन है, 2 बिट्स है, 4 बिट है, 8 बिट है और 16 बिट है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज द डैश ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो साइंस है, सेकंड ऑप्शन जो है मैथमेटिक्स है, एक्सप्रेशन है और इक्वेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एन SOP expressions हैव ए डोमेन ऑफ टू वेरिएबल विल हैव ए ट्रूथ टेबल हैविंग डैश कम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड corresponding आउटपुट वैल्यू। हमारे पास जो ऑप्शन है वो 4, 6, 8 और 10 है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैन टू और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाई बुलियन मल्टीप्लीकेशन द रिजल्ट इज एन डैश एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो POS है, SOP है, बुलियन है और सिंप्लीफाइड है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो POS है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड दी डाटा सेलेक्टर, डाटा राउटर, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, डाटा इनकोडर। तो करेक्ट ऑप्शन 3 है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी आउटपुट कैन एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटेटर हैव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड दी डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है जो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हमने इसको किया। अब तो इसमें जो है वो सारी स्लाइड्स और क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। मज़ीद अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम इसका वर्जन 2 भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हम इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।